गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा कल हमने ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारे यूनिट 1 है जिसका नेम है नंबर्स अप टू 9,99,999 है ना, ये वाला चैप्टर हमने कल सेशन में डिस्कस किया था है ना. तो आज हम इसको वीडियो के थ्रू करते हैं. ओके, तो किसी की भी अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी कंफ्यूजन रह गई है बेटा तो इस वीडियो से आपकी रिमूव हो जाएगी. तो इसमें हमने सबसे पहले हमें इस चैप्टर का नेम क्या दे रखा है, नंबर्स अप टू 9,99,999 मींस सारे नंबर्स 9 के आसपास हमारे राउंड कर रहे हैं है ना. तो हमें ऐसे नंबर्स हमें लर्न करने हैं. कहाँ तक के नंबर्स लर्न करने हैं, 9,99,999 के. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अगर हम 9 में एक नंबर ऐड करते हैं तो क्या होगा, जैसे 1 more than 9 तो क्या होगा उसका आंसर 10. ओके, अगर हम 1 more than 99 करते हैं तो क्या होगा 100. अगर हम 1 more than 999 करते हैं तो क्या होगा 1000 है ना. तो हर बारी क्या हो रहा है, एक डिजिट बढ़ रहा है ना. 9 था तो 10 हो गया, 99 था 100 हो गया, 999 था तो 1000 हो गया. ओके, तो इससे ये कैसे हुआ, ये हमने कैसे किया, 9 में 1 ऐड किया तो 10 हो गया, 99 में 1 ऐड किया तो 100 हो गया, 999 में 1 ऐड किया तो 1000 हो गया है ना. सिंपल है ये. तो अब हमने इस चीज से ये देखना है कि नंबर 1 more than 9,999 अभी तक हमने किया 999 तक. अगर हमें 1 more than यानी एक ज्यादा चाहिए इसका 9,999 का तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है, हम 9,999 में भी 1 ऐड कर सकते हैं है ना, कर सकते हैं. वो तो एक सिंपल मेथड है, पर अगर हम उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में लेते हैं तो कैसे होगा. तो ब्लॉक्स की फॉर्म में लेने से हम क्या करते हैं, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 9, हाँ जी बेटा, जैसे 9,999 है तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि सबसे पहले बन गया ये 9,000. ठीक है ना, वंस प्लेस से शुरू करते हैं. वंस प्लेस पे क्या है, 9 है तो 9 लिख दिया वंस प्लेस पे, फिर टेंस प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे, फिर 1000 प्लेस पे. ओके, तो 9 वंस प्लेस पे क्या है, 10. टेंस प्लेस पे क्या है, 9 ही है. तो टेंस प्लेस पे 9 तो है, पर 9 के बाद एक और नंबर है तो उसके लिए क्या लग जाएगी, 0. ओके, और 100 प्लेस पे 9 ही है बट उसके बाद 2 डिजिट और हैं तो उसके लिए लग जाएंगी 2 0, तो क्या हो जाएगा ये 900. तो ऐसे तो किया हमने 9,999 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके क्यूब्स बना दिए, 9,999 और 9. ठीक है, उसके जब हमने क्यूब्स बना दिए तो इससे क्या हुआ, इससे हमने एक एक क्यूब की वैल्यू क्या दी उसको, 1000, इधर क्या दी 100, इधर क्या दी 10, और इधर क्या दी सिंपल 1. ठीक है, तो यही चीज है जिस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि 9,999 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10,000. ठीक है, तो देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, 9 ब्लॉक्स हो गए ये. ठीक है, 9 ब्लॉक्स कितने हुए, ये एक ब्लॉक कितने का है, 1000 का. तो 9 मल्टीप्लाई 1000 क्या हुआ, 1000 क्या हुआ, 9 मल्टीप्लाई 1000, 9000 हो गया. ऐसे ही ये एक ब्लॉक 100 का है, यानी इसमें 100 स्क्वेयर्स हैं, तो क्या होगा, 100 का होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 900 हो गए है ना. ऐसे ही यहाँ पे देखो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एक 10 का है तो कितने हो गए, 90. तो ये क्या है, 9. तो उस हिसाब से हमारा क्या बनता है बेटा, 10,000. ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा 9,999 आता है ना, उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 10,000. और उसको हमने नंबर नेम में ऐसे लिखना है, 10,000. ठीक है, सिंपल है. उसके बाद हमने वर्कशीट नंबर 1 करनी है. वर्कशीट नंबर 1 बहुत इजी है, बस आपको वहां पे क्या है, एबकस का यूज करना है, आएगा. एबकस क्या होता है, एबकस होता है कि जब स्टार्टिंग में जब बच्चे काउंटिंग करते थे ना बेटा, जब मैथ स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट ही एबकस से हुआ था, यानी कि बच्चे काउंट करना सीखे ही, जो जितने भी पीछे काउंटिंग सीखते थे कैसे सीखते थे, सारे एबेकस से सीखते थे. ये एबेकस नाम की गेम होती है बेटा. इस गेम में क्या होता है, आपके पास रोड्स होती है ऐसे,
और उन रोड्स के अंदर आपको रिंग्स डाल के काउंट करना होता है कि उसमें कितने रिंग्स हैं, तो उससे आप काउंटिंग सीखते थे पहले, ठीक है। तो वो एबेकस का पूरा आपका वर्कशीट नंबर 1 में है। इसमें सिंपल है, अगर आपके पास रोड के अंदर रिंग्स हैं तो आपने रिंग्स काउंट करनी है और नीचे नंबर लिख देना भी कितनी रिंग्स हैं। और अगर आपके पास नीचे नंबर लिखा हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस, आपको इस नंबर को एबेकस में रिप्रेजेंट करना है, तो आपने जैसे 3 है तो जो 10,000 वाला नंबर है उसमें 3 रिंग्स डाल देने हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 रिंग्स, यहाँ पे उसके सामने वाली रोड में उतने रिंग्स डाल देने हैं, ठीक है। तो सिंपल है वर्कशीट 1। उसके बाद हम करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये मैंने कल आपको सेशन में भी बताई थी, वर्कशीट 2 भी मैंने आपको सेशन में बताई थी, बहुत ईजी है। वर्कशीट 2 में बस आपको क्या करना है कि जैसे आपको रीड करना आना चाहिए, जैसे अगर आपको ये नंबर दे रखा है तो आपको ये रीड करना आता है कि ये कितने 1000 और कितने 100 है, ठीक है, यानी प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो सिंपल है, आपने पीछे से स्टार्ट करना है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, तो एंड में आपने 1000 वाले नंबर को, यानी कि ये भी 1000 का, ये भी 1000 का है, तो आप क्या लोगे इसको 20, तो क्या हो जाएगा, और पीछे 000 है तो क्या हो जाएगा 20,000। तो मीन्स आपको रीड करना आना चाहिए ये प्रॉपर तरीके से। अब जैसे ये है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, तो क्या होगा 33,108, है ना। तो बस ये रीड करना है पूरा आपको, ये वाला आपको क्या करना है, आपको नंबर नेम दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है, आपने उसका नंबर नेम लिखना है, यानी कि पहले इसको आप रीड करोगे 1s, 10s, 100s, 10,000, तो क्या होएगा ये 25,002। तो 25,002 को आपने इस फॉर्म में लिखना है जैसे अब आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वर्ड्स में, ओके। उसके बाद राइट द न्यूमरल्स ऑफ द गिवन नंबर नेम, आपके पास जैसे ही नंबर नेम्स दे रखे हैं आपने उनके नंबर्स लिखने हैं, जैसे पहले नंबर्स दे रखे थे तो आपने नंबर नेम लिखने थे, अब आपके पास नंबर नेम है तो आपने क्या लिखने हैं, उनके नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 15,465 को आप ऐसे लिखोगे 15,465, 19,314 तो इसको कैसे लिखोगे 19,314, ठीक है, चाहे आप पीरियड डाल के लिखो चाहे बिना पीरियड से लिखो। 5 लाख, अब लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5, तो क्या आएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये बन गया आपका 5 लाख। चाहे इसको कैलकुलेट करके देख लो 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे हो जाएंगे बेटा। फिर उसके बाद नेम द 6 प्लेसेस ऑफ अ 6 डिजिट नंबर, आपको कोई भी 6 डिजिट नंबर के कोई 6 प्लेस बताने हैं, तो क्या होंगे, अगर आपके पास 6 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे मान लो यही ले लेती हूँ मैं, 1 ले लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 प्लेसेस का नंबर है, तो इसके ऊपर उसके प्लेसेस लिख देंगे हम। फर्स्ट प्लेस 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड लाख, तो आपके प्लेसेस क्या हुए 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, बस ये नेम लिखने हैं आपको प्लेसेस के, आपने लिख दिए। उसके बाद राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपके पास 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 times 9, और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका है 1000, मीन्स ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अब एंड में करना क्या, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में, यानी कि इसको माइनस करना है, तो जो बड़ा जिसमें ज्यादा डिजिट है वो वाला नंबर आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, आप इसको माइनस कर दोगे। पहले आप 0 में से 9 माइनस करोगे तो आपको कैरी लेनी पड़ेगी, आप 10 बनाओगे उसको, तो 10 में से 9 1, उसके बाद जब आपने कैरी ली तो यहाँ पे 0 था, 0 पहले बनेगा 10 और 10 बन जाएगा 9, क्योंकि इसने आपको कैरी दी थी। ऐसे यहाँ भी 9 बन जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी, एंड आपके पास ये सारे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 9 माइनस 9 क्या होते हैं 0, आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है। तो बेटा अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका है वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में बस आपको आना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट, जो कल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, उसमें ऐसे ही था, यहाँ पे आपके पास नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पे उसकी प्लेसेस लिखे हुए थे, आपने सिर्फ उन नंबर्स को उनके प्लेसेस पे लिखना था। जैसे अब यहाँ पे 8436 है, तो 1000 वाला नंबर क्या 8, तो वो 1000 के नीचे आएगा। 100 वाला नंबर क्या 4, तो वो 100 के नीचे आएगा।
टेंस वाला नंबर क्या है, 3, तो वो उसके नीचे आएगा, वंस वाला नंबर उसके नीचे आएगा। तो ऐसे अगर कोई भी नंबर होता है आपने बस उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाना है, शो करना है पूरा, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया, आपने बहुत अच्छे से किया बेटा। ऐसे ही आपको वर्कशीट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में है आपको पीरियड्स लगाने आने चाहिए, आपको प्लेस वैल्यू निकालने आनी चाहिए। जैसे अब आपके पास ये पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें जो नंबर सर्कल है आपने उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो बताओ अब ये टेंस पे है और टेंस का नंबर क्या होता है, 10, तो 5 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 50, ठीक है। और ये है आपका 4 सर्कल है, तो 4 कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, तो 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40,000, ओके। ऐसे ही अब आपका जो ये है, ये वंस प्लेस पे है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। ऐसे आपका 9 है लाख की प्लेस पे, तो 9 मल्टीप्लाई लाख आपका क्या हो जाएगा, 9 लाख। और 0 होता है, 0 अब चाहे 0,000 प्लेस पे, पर 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन बोल्ड, कह रहे जो से डिजिट बोल्ड में है, यानी कि जैसे 3491 है, इसमें जो 4 डिजिट है वो बोल्ड है, उसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ, ये मैंने कर भी रखा है यहाँ। 3491 में 4 बोल्ड है ना इसमें, तो 4 का आपने ऐसे करना है, और 4 के बाद जितने डिजिट हैं, 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यानी कि उतनी जीरो लग जाएंगी, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 400। तो ऑब्वियसली बात है ये वंस टेंस 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 400। ऐसे ही आपको इसमें 0 की निकालने, तो 0 की तो 0 ही आएगी, इसमें आपको 3 की निकालने, तो 3 की क्या आएगी, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, तो क्या आएगी, 3 लाख, ओके। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन आपको पूरा करना है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको ऐसे न्यूमेरल को अंडरलाइन करना है जिसकी प्लेस वैल्यू 8 की 80,000 हो, तो 80,000 इसकी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, इसमें 8 कौन सी प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, तो 1000 प्लेस पे, तो वो तो 8000 होएगी, ये नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, इधर हो सकती, यानी कि थर्ड वाला आपका अंडरलाइन होगा जिसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 80,000 है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन द न्यूमेरल इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200, तो 200 किसकी है, 200 आपकी होगी बी वाले की। ये आपने कल भी मुझे सही आंसर दिए थे बेटा सेशन में इसके, तो ये आप कर लोगे। उसके बाद है कंपेयर द प्लेस वैल्यूज ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट्स, ये जैसे 2 सर्कल है उनको कंपेयर करना है। पहले आपने इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, तो इसके बाद तो 1 डिजिट है, तो वो बन गया 70, यानी वो 10th प्लेस पे हुआ, पर इसकी जब प्लेस वैल्यू निकाली तो ये बना आपका 1, 10, 100, 10,000 लाख, यानी कि 7 लाख बना। तो अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करोगे, कौन से वाला बड़ा और कौन सा छोटा, तो ये 7 लाख वाला 70 से बड़ा है ना, तो 7 लाख इज ग्रेटर देन 70, ये आपने कंपेयर कर दिया इसको, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर 4 बहुत ईजी है बेटा, हो जाएगी आपसे। उसके बाद अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5, ओके। वर्कशीट नंबर 5 में बस आपका यूज हो रहा है पीरियड्स का बेटा, जैसे अब यहाँ पे ये नंबर है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो 3,48,016, ओके। तो इसमें पीरियड वंस प्लेस टेंस, ओके, व्हाट इज द पीरियड एंड प्लेस ऑफ 3 इन दिस, आपको बताना है कि इस नंबर में 3 का पीरियड और प्लेस क्या है। तो 3 यहाँ पे आपका, तो कौन सी प्लेस पे आएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो कौन से प्लेस पे हुआ, 1000 पे, तो इसका पीरियड भी 1000 होगा और प्लेस भी 1000 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही आपने वर्कशीट नंबर 5 करनी है। वर्कशीट नंबर 5 में जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पहले क्या पूछा हुआ है, नेम द 3 पीरियड्स इनटू विच 6 डिजिट नंबर इज ग्रुप्ड, आपको 3 पीरियड्स बताने हैं जिसमें अगर एक 6 डिजिट का नंबर है वो ग्रुप होता है। तो ग्रुप होता है तो कैसे होता है, देखो 6 डिजिट का नंबर आप लिख रहे हो, लिखो जैसे 11 ही ले लेते हैं हम, 1111111, तो कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 डिजिट के नंबर को आप ग्रुप करो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लाख। तो अब ये 1 लाख के बाद पीरियड आएगा, फिर 1000 के बाद पीरियड आएगा, तो कौन से 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आपके आ रहे हैं, जो 3 पीरियड्स आपके आ रहे हैं वो 1 लाख में आ रहे हैं, 1000 में आ रहे हैं, 100 में आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लाख 1000 एंड 100, ठीक है। इसके 3 पीरियड्स कौन से हैं, लाख 1000 एंड 100,
ओके। उसके बाद है मेंशन द प्लेसेस इन वंस एंड थाउजेंड पीरियड्स। आपको उन प्लेसेस को मेंशन करना है जो वंस और थाउजेंड पे क्या हो रहे हैं, पीरियड लगा रहे हैं, ठीक है। तो उन प्लेसेस को मेंशन करेंगे तो क्या होएगा, कौन से प्लेसेस होएंगे, वो वंस पे जो हो रहे हैं वो होएगा वन, और थाउजेंड पे जो हो रहे हैं वो होगा टेन थाउजेंड और थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स। आपको कॉमा लगाने हैं बस यहाँ पे, जैसे 91409 लिखा हुआ है ना ये क्वेश्चन, तो क्या होगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। इसका मतलब आपका वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपका थाउजेंड फिनिश हो रहा है, टेन थाउजेंड और थाउजेंड सेम हुई, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, कोमा, ठीक है। और यहाँ पे कोमा लग गया आपका, तो यहाँ पे आपने कोमा लगा के इसको सॉल्व कर दिया। बस आपने कोमा लगाना है जहाँ पे थाउजेंड खत्म हो रहा है, जहाँ पे लैक खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको कोमा लगाना है। जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, तो एक लैक के बाद लगेगा, एक थाउजेंड के बाद लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारों में ही कोमा ही लगाना है, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में, अब राइट द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ एन सर्कल डिजिट इन ईच प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें सर्कल हो रखा है, जो नंबर सर्कल हो रखा है उसका आपको पीरियड भी बताना और प्लेस भी। तो इसका थ्री का पीरियड और प्लेस क्या होएगा, सिंपल है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक। इसका मतलब थ्री का पीरियड भी लैक है और प्लेस भी लैक है, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू निकालनी तो बहुत ईजी है। जैसे अब आपको थ्री की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, थ्री लिखोगे और उसके बाद जितने भी नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव, उतनी क्या लगा दोगे, जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, बस ये उसकी प्लेस वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपको फोर्थ क्वेश्चन पूरा करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट द न्यूमिरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स। अब आपको न्यूमिरल्स लिखने, यानी पहले नंबर नेम दे रखे हैं उसको पहले नंबर बनाना है, ठीक है। नंबर कैसे बनेगा, ये 62,300, पर ये जब लिखना है ना तो वो कह रहे हैं कि पीरियड लगा के लिखना है, तो पीरियड कैसे लगाएंगे, 62,000 यहाँ लग गया बस, बाकी तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से कॉमा लगा के लिखना है। उसके बाद राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमिरल्स। अब आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं तो बहुत ईजी है, क्या होएगा इसका नंबर नेम, 75,831, तो आपने वैसे ही लिखना जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर बेटा वर्कशीट नंबर फाइव में, अब कोई प्रॉब्लम होगी बेटा आपको, उसके बाद हम करेंगे वर्कशीट नंबर सिक्स। वर्कशीट नंबर सिक्स में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, 75,162, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, है ना। तो 10,000 यहाँ पे दे रखा है आपको, टेन ऐसे प्लेसेस लिखे हुए हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड। तो 10,000 पे कौन सा नंबर है, आपको प्लेस बताने, कौन सा नंबर है 10,000 पे, सेवन, तो आपने सेवन लिख दिया। थाउजेंड पे कौन सा नंबर है, फाइव, तो आपने फाइव लिख दिया। और हंड्रेड पे कौन सा नंबर है, वन, तो आपने वन लिख दिया। और टेन पे आपका कौन सा नंबर है, सिक्स, तो सिक्स लिख दिया। वन पे आपका कौन सा नंबर है, टू, तो आपने टू लिख दिया। तो ऐसे ही आपने सारा लिखना है, ठीक है। पर अब यहाँ तक तो आपका हो रहा था जिसमें लैक टेन थाउजेंड वगैरह लिखा, ये भी थोड़ा चेंज है, ये भी देख लो कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपका 10,000 किस में लिखा हुआ था, नंबर नेम में, अब यहाँ पे आपका नंबर में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। आपका 10,000 जो प्लेस है वो कहाँ बन रहा है, वो थ्री पे बन रहा है, तो यहाँ थ्री आ जाएगा, ठीक है। आपका जो थाउजेंड है वो कहाँ पे बन रहा है, वो थाउजेंड प्लेस पे बन रहा है, यानी कि वन पे बन रहा है, तो यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। आपका हंड्रेड जो प्लेस है वो कहाँ पे बन रहा है, वो नाइन पे बन रहा है, तो यहाँ नाइन आ जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, सारा फिल करना है ये पूरा। तो वर्कशीट सिक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा, वर्कशीट सिक्स का सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बारी। राइट द फॉलोइंग न्यूमिरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन थ्री डिफरेंट वेज। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखा हो बेटा, तो आपने इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी कि जैसे 91,409 है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आप कैसे लिखोगे 91,000, तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 9, ठीक है, फिर आप लिखोगे 10,000, फिर आप लिखोगे प्लस, फिर 1, फिर आप लिखोगे 1,000, फिर आप लिखोगे प्लस, फिर 4, 4 आपका 100 की प्लेस पे, तो आ जाएगा 100, फिर आपका आएगा प्लस 0, 0 कौन सी प्लेस पे, 10 पे, तो 0 ही हो जाएगा ये, फिर 9 मल्टीप्लाई 1,
ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब होता है आपको इनको खोल के लिखना, मींस जैसे अब ये देखो मैं कॉपी को बता रही हूँ आपको, 91,409 है ना, तो आपने इसको क्या कर दिया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, ठीक है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें आपको एक तरीका बताती हूँ। पहले ना आप ये सारे नंबर जो हैं लूज लिख लो, जैसे 9 लिख लिया, 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, 0 लिख लिया और 9 लिख लिया। अब जो ये वाला 9 है यानी कि ये कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, तो 1 प्लेस की वैल्यू क्या होती है, 1, तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया, ठीक है। ये कौन सी प्लेस पे, 0, 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस की वैल्यू क्या होती है, 10, तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ठीक है। साथ में प्लस प्लस लगाना, हाँ प्लस प्लस लगाना है यहाँ पे, इसके आगे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब जो आपका 4 है वो कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसका मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, फिर यहाँ प्लस लग जाएगा। अब जो आपका 1 है वो कौन सी प्लेस पे, 1000 प्लेस पे है, इसका मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, ठीक है। अब फिर आपका जो 9 है वो 10,000 प्लेस पे है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000, ठीक है, और प्लस। बस ये आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। बस आपको क्या करना है, सारे नंबर को लूज लूज लिख के उनकी जो प्लेसेस होते हैं, उनकी जो प्लेस वैल्यूज होती हैं, उनके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पूरा सेकेंड सम करना है, ठीक है। और ये वाला अब क्या है, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में, थर्ड सम में एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, आपने बस उनको क्या करना है, ऐड करके इकट्ठा लिखना है। तो सिंपल है, वंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे आ जाएगा, टेंस प्लेस वाला 1 बन जाएगा, 300 3 बन जाएगा, 4000 4 हो जाएगा, 50,000 5 हो जाएगा, और ये 6 लाख जो हमारा है वो 6 लाख हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो बस यहाँ इसको एक्सपेंड करके लिखना है, यहाँ पे इसको वापस से उसके स्टैंडर्ड न्यूमेरल में लिख देना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। उसके बाद अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 आपकी बहुत इजी है, जिसमें आपको सिर्फ कंपेयरिंग करनी है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अगर आपका साइन जो है वो ऐसे आता है, मींस आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको कंपेयरिंग नहीं आती तो, जैसे मान लो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, और इस तरह का साइन होता है, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है इक्वल टू। जो जहां पे आपकी ब्रैकेट खुल रही है, यानी कि ये वाली साइड हमेशा किसकी तरफ आती है, बड़े नंबर की तरफ। जैसे अब 9 और 7 में बड़ा कौन सा है, 9 है, तो इसका मतलब मैं ब्रैकेट कैसे लगाऊंगी, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब 9 जो है वो 7 से क्या है, बड़ा है। अगर मैं यहां पे लिखती हूं 6 और 4,